स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। जय माता दी, शुभ प्रभात सभी को। और ये ड्यूटी से आ गए हैं, जब तक ये आए हैं तब तक तो मेरा बहुत काम हो गया घर का, बाहर का, खिड़की से जाला निकालना था, सब कुछ निकाल दी हूँ मैं और चाय चढ़ा दी हूँ। एक बार तो मैं सुबह तो पी ली हूँ चाय, अभी दोबारा चढ़ाई हूँ, ये भी पी लेंगे, मैं भी पी लूँगी। बस ये रैक साफ करने के लिए है, ना सब सब कुछ मैं साफ कर दी हूँ। और सभी आ गया, जाला बल्ब ऊपर था सर। इधर ससी आया है, इसका पेपर हुआ था तो उसमें पेरेंट्स का साइन कराना पड़ता है। कितना है फुल मार्क? हाँ, 15 मार्क 15 है। एक्सीलेंट। सब्जेक्ट हिंदी? सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी एक ही मिला है। और बाकी हाँ और नहीं मिला? चलो ठीक है, वेरी गुड। और इधर दोनों पढ़ाई कर रहा है अभी। कितना पेपर बाकी है? एक। और सच तुम्हारा? दो। दो कल और परसों ना, आज तो छुट्टी हो गई 2 अक्टूबर की। और इधर हर्ष और शशि लगा हुआ अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में। हर्ष का है स्काउट एंड गाइड की तैयारी में है, उसका बनाना है, तो थोड़ा शशि भी हेल्प कर दे रहा है। ऊपर ये ठीक से। और इधर मैं थोड़ा कंबल को आज नीचे दे देता हूँ, धूप आना शुरू हो गया है, के जाली पे आ गया है, तो मैं दे आता हूँ आज धूप में। ये कंबल दोनों रखा हुआ है, ब्लैंकेट और ब्लैंकेट कंबल और तकिया को धूप में डाल दिए हैं, धूप लग जाएगी अच्छे से, क्योंकि ठंड होना शुरू हो गया ना, तो बीच बीच में सुखा देते हैं तो हवा भी लग जाती है, सूख भी जाता है थोड़ा। और इधर गमले समय भी पानी डाल दिए। और मेरा ये मिर्ची अब फूल इसमें लगना शुरू हो गया है, सफेद सफेद फूल दूसरी साइड भी है, समय अब जाके लगना शुरू हुआ है। इसी तरह ये महीना भर रहेगा, उसके बाद ये सूख ही जाएगा पाले की वजह और ठंड की वजह से। कहते मिर्ची अगर फल जाए कुछ भी ठीक है। और साफ सफाई तो मैं कर ली, और अभी मैं घर का सारा काम मेरा हो ही गया है और खाना भी लगभग बन ही गया था। तो मैं चावल धो के चावल चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद पकौड़ा बनाना है मुझे। तो सब्जी इधर सब्जी बन गई है, ये देखिए सब्जी बन गई है, दाल बन गई है, और ये पकौड़ा काट के रखी हूँ, पकौड़ा बनाऊंगी आलू का बैंगन का और इसमें मिर्ची का बनाऊंगी। और इधर चावल चढ़ा देती हूँ, तो चावल जब बन जाएगा उसके बाद पकौड़ा बनाऊंगी। और बच्चों को आज 11 बजे मैं खाना भी बना दे रही हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सफाई करने में लग गई तो नाश्ता नहीं बनाई थी, बच्चों को हल्का फुल्का ही नाश्ता दे रही थी बना के, तो फिर उनको भी भूख लग के आएगा, तो इसलिए मैं सोची खाना ही बना दूँ फटाफट। और आज क्योंकि मुझे लगाना है थोड़ा साड़ी फॉल भी लगाना है, यहाँ तो साड़ी फॉल मिलता है नहीं, तो मम्मी पापा आने वाले थे ना, तो मैं उनको बोली थी पर वो भूल गए थे, तो फिर जब यहाँ से वो गए हैं तो भैया मेरे जो मेरे भाई हैं उन्होंने वहाँ से ऑनलाइन कर दिया था, तो आ गया था कल परसों पहुँच गया था, परसों पहुँच गया था, तो कल मैं धो के डाल दी थी शाम में, सूख गया है, तो आज मैं साड़ी फॉल भी लगाऊंगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी काम निपटा लूँ, तो साड़ी फॉल लगाने के लिए भी बैठ जाऊँगी। पोछा लगा के चली जाती मैं नहाने के लिए, अभी टाइम 11:30 हो गया है, नहा के पूजा करके उसके बाद मैं पकौड़े बनाने के लिए जाऊंगी या खाना सबको दूंगी। और भगवान का जो पूजा के लिए कल सामान वामान निकालना था तो वो सब भी मैं निकाल दी हूँ, जैसे पंचमुखी दिया ये सब चीज निकालना था वो सभी निकाल दी हूँ। और आज थोड़ा मंदिर की भी मैं सफाई कर देती हूँ, तो आसन सब जो है आसन सब वो तो मैं कल हटाऊंगी, आज नहीं,
बस ये अंदर थोड़ा रिलैक्स सब निकाल के जो ये डब्बा सब जो इस सबको भी धो देती हूँ आज ही, कल इतना टाइम मिलेगा नहीं। चलिए इस सबको मैं पहले साफ कर देती हूँ, ऊपर से मंदिर सारा अंदर बाहर साफ कर देती हूँ, सिर्फ ये इतना पोजिस एरिया जो है ये कल करूँगी मैं, आज नहीं। मौसम देखिए एकदम खिलखिली धूप है, एकदम तेज धूप है। और ये देखिए एक मशीन फोरक्लिफ्ट मशीन है, तो ट्रक पे लेके जा रहे हैं, इतने धीरे धीरे चढ़ाई पे लेके जाना होता है। देखिए हैवी मशीन है एकदम, क्योंकि नीचे से रेन देखिए एकदम चढ़ाई एकदम नीचे से लाते लाते ये ऊपर तक ले आए। और पूजा करने के बाद मैं फटाक से आ गई हूँ पकौड़ा बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है खाने का, बच्चों को भी भूख लगी है, बच्चे तो उस रूम से आ भी गए हैं ना। चलिए मैं इन लोगों को पहले पकौड़ा बना के दे दूँ, खाना निकाल के दे दूँ, शशि के पापा को थोड़ा 2 मिनट के बाद भी दे दूँगी, पहले बच्चे को दे देती हूँ खाने के लिए। और देखिए दोनों पढ़ाई करने के बाद आ गया है, बोला कि थोड़ी देर अब टीवी देख लेते हैं जब तक इधर नहीं तो पकौड़ा तल रही है उसका फिर खाना खाएंगे। खाना निकाल दी हूँ बच्चों के लिए, यहाँ मैं खाना निकाल दी हूँ, बच्चे खाना खा ले रहे हैं, और इधर तब तक मैं इनके लिए खाना निकाल देती हूँ। खाना खाने के बाद मैं सारी में आ गई थी फॉल्स लगाने के लिए, तो ये देखिए लग गया है मेरा, ये काम फिनिश हो चुका है साड़ी का, क्योंकि कॉटन साड़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता लगाने में, और जो बाद बाकी सिल्क या ऐसे रहता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये हो गया फिनिश, इसको मैं रख देती हूँ फोल्ड करके। और ऑनलाइन में मंगाई थी एक फ्रूट, क्योंकि हम लोग में ना वो अष्टमी या नवमी को ना माता को गोदी भरा जाता है तो उसमें लगता है कोरा कपड़ा, तो यहाँ तो मैं सूट ही पहनती हूँ तो मैं सूट ही मंगाई थी। ये देखिए ये 3 का कॉम्बो है सूट, इसके साथ ये पैजामा नहीं इसको क्या कहते हैं पेंट पेंट हो है, और ये दुपट्टा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब हमें लग नहीं रहा था इतने कम दाम में इतना अच्छा और प्योर कॉटन है ये चीज़ बढ़िया आएगा। हम लोग सोच रहे थे बढ़िया नहीं आएगा तो इसको रिटर्न कर देंगे, पर बहुत ही अच्छा सामान आया, दुपट्टे में भी पूरा वर्क है। और सूट से ज़्यादा मुझे जिसका दुपट्टा अच्छा रहता है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और ये कलर पसंद किया है शशि के पापा, क्योंकि इसमें 2-3 कलर था पर उनको यही पसंद आया, कह रहे ये अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं उन्हीं के पसंद का मंगा ली थी। और अब मुझे एक काम और बाकी है, मुझे अब बनाना है गौरी जी के लिए कपड़ा, वो घाघरा के जैसे, तो वो बनाना है, तो मैं वो भी बना लेती हूँ। और कल से नवरात्रा भी शुरू हो रहा है, तो नवरात्रा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी आप सभी को अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और आज का वीडियो भी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जय माता दी।